उनको वापस कर दो। उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारा हमारी जो गृहिणी है वो आपके सत्संग में जाती है, उसी से लेन देन कर लो। और तान दुपट्टा ओढ़ के सोता रहा। उसने अपनी घरवाली को कहा कि रुपए पूरे गिन लेना और लिख करके दे देना कि अब ये केदारा राग गा सकते हैं। देखो उस वैश्य की गृहिणी नरसी जी से बार बार कहती थी, आपने तो भगवत साक्षात्कार प्राप्त किया है, श्याम सुंदर का दर्शन किया है, आप हमें भी नरसी जी का ठाकुर जी का दर्शन करा दो। नरसी जी मुस्कुरा जाते थे। आज ठाकुर जी ने नरसी का वेश धारण करके उसको दर्शन दे दिया और वो जानकर तान दुपट्टा ओढ़ के लेटा रहा, उसने देखा नहीं एक भी बार ठाकुर जी की तरफ। ये तो ठाकुर जिसको दर्शन देना चाहते हैं उसी को दर्शन होता है। नरसी जी बैठे थे और उसी समय अंतरिक्ष से वह कागज ठाकुर जी के हाथ का लिखा हुआ कागज गोद में गिरा। किसी ने देखा नहीं, नरसी जी ने देखा कि अब आप मुक्त हैं, पैसा पूरा चुका दिया गया है, अब आप केदारा राग गा सकते हैं। अब तो नरसी जी समझ गए कि ये निश्चित ही हमारे ठाकुर की लीला है, हमारे ठाकुर ने ही इस लीला का संपादन किया है, साक्षात हमारा स्वरूप बना करके ही और ठाकुर जी ने यह लीला रची है। अब तो वे भाव में भर गए और भाव में भर करके श्री नरसी जी महाराज गाने लग गए। जैसे ही महाराज नरसी ने गाया, अब तो अद्भुत वातावरण वहां प्रकट हो गया। श्री प्रियादासी वर्णन कर रहे हैं, धारो उरे और सिर मोर प्रभु मंदिर में, सुंदर केदारो राग गावे भरे चाय में, धारो उरे और सिर मोर प्रभु मंदिर में, सुंदर केदारो राग गावे भरे चाह में, सुंदर केदारो राग गावे भरे चाह में। क्या हुआ, जैसे ही नरसी जी को तन्मयता हुई, एक विलक्षण प्रकार का तेज प्रकट हुआ, ताला टूट कर गिर गया, मंदिर का द्वार विदीर्ण हो गया, टूट गया और लोगों के नेत्र चकाचौंध में भर गए। साक्षात ठाकुर जी, आज भी ठाकुर जी जूनागढ़ में वो विराजमान है, साक्षात ठाकुर जी आए हैं। उस दिव्य प्रकाश के आगे सबकी आंख चकाचौंध में भर गई, सबके हाथ जुड़ गए और श्री ठाकुर जी ने आकर सबके देखते हुए अपने कंठ का हार उतार कर नरसी जी के गले में डाला। नरसी जी ने अपना मस्तक ठाकुर जी के चरण कमलों में रख दिया, रोने लगे और कहा कि हे नाथ, अब अधिक संसार में मत रखिए, आपने जो काम करने के लिए भेजा था हमने कर दिया, लेकिन अब इस छली कपटी धूर्त संसार में हमारे जैसे भोले भाले लोगों को रहने की जगह, अब कृपा कीजिए, जल्दी अपने चरणों में बुला लीजिए। इस भक्त भगवान के संवाद को सब सुन रहे हैं, ये कलिकाल की घटना है, सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की नहीं है। ठाकुर जी ने हृदय से लगा के कहा, नरसी तुम तो एक क्षण के लिए भी संसार में नहीं रहते हो, तुम तो निरंतर हमारे चरणों में ही रहते हो, अब तक तो ये अभागे आपकी महिमा नहीं जान पाए
और अब जब आपकी महिमा प्रकट हुई तो आप हमारे धाम में चले जाओगे तो ये बेचारे वंचित रह जाएंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि 5 वर्ष आपको इस धरती पर अभी और रहना है। इन 5 वर्षों में ये विरोधी नहीं, सारी धरती के जीव आपकी भक्ति से कृतार्थ हो जाएंगे। और हे भक्तराज, अब कोई संकट आने वाला नहीं है। ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, सारा वातावरण दिव्य सुगंध से गमगमा उठा। अब तो राव मंडलिक ने अपना मुकुट उतारा, नरसिंह जी के चरणों में रखकर फूट फूट कर रोने लग गया। महाराज, मैं एक दीनहीन क्षत्रिय नरेश हूं, लोगों के कहने से आकर मैंने आपको इतनी पीड़ा दरबार में बुला कर दी। अब यस मैं ही नहीं, मेरा संपूर्ण राज्य आपके चरणों में समर्पित है। आपने हृदय से लगा के कहा, मंडलिक आपका कोई दोष नहीं है, हरि भजन करो, आपका भी कल्याण होगा। आज सारंग धर का हृदय परिवर्तित हो गया, फूट फूट कर रोते हुए उसने कहा, नरसी जी मेरे जैसा अधम पात की इस धरती पर कोई दूसरा नहीं, मुझे लज्जा आती है कि मैं तुम्हारा मामा लगता हूं। कहने को ब्राह्मण पर वृत्ति से म्लेच्छों से भी नीचे गया बीता हुआ मैं आपकी शरण में हूं, मुझे दंड दीजिए, ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। आर्तनाद कर उठा। नरसिंह जी ने दौड़कर हृदय से लगाकर कहा, पश्चाताप ही सच्चा अपराध का प्रायश्चित है, हरि कीर्तन करो, भगवान आपका कल्याण करेंगे। नरसिंह जी के खास बड़े भाई सारंगधर, शास्त्र में लिखा है, ज्येष्ठ भ्राता पितु समाह, बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है। लेकिन आज सारंगधर जी भी साष्टांग चरणों में पड़े हुए, बंसीधर जी आज बंसीधर जी भी साष्टांग चरणों में पड़े हुए हैं। लोगों ने कहा, नरसिंह जी आपके बड़े भैया बंसीधर जी भी चरणों की शरण में पड़े हैं। आपने दौड़कर भाई को हृदय से लगाया, आप मेरे पिता के तुल्य हैं। आज भाभी भी रो रही है, कहा, भैया भाभी आप कृपा न करते तो हमको कहां भोले बाबा का दर्शन होता, हमको कहां नित्य रास का दर्शन होता। इसलिए भक्ति की इस ऊंचाई तक पहुंचाने में आपको श्रेय है। आप सब जितने हमारे निंदक हैं ना, आप सब भक्ति में हमारे सहयोगी हैं, हितैषी हैं, आपने बड़ी कृपा की। अब तो भैया ठाकुर की आज्ञा हो गई है, अब इन 5 वर्षों में आप लोग अपना कल्याण चाहें तो अब कीर्तन में आना शुरू कर दें, कथा में आना शुरू कर दें। सबने पक्का निश्चय किया है। हम लोग कई बार निंदकों से बहुत परेशान हो जाते हैं, पर ध्यान देकर सुने, निंदकों से साधकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हां, साधकों को पता चल जावे कि अमुक हमारा निंदक है तो उसका दूध घी बादाम वो दुगना कर देते हैं, पैसा ले नहीं रहा है और इतनी बढ़िया बढ़िया बात हमारे बारे में कह रहा है, तो इसको खूब दूध मलाई खिलाई जानी चाहिए। ये बात समझ में आ जाए तो सारे झगड़े मिट जाएं। श्री शुक संप्रदाय के आचार्य चरण श्री चरणदास जी महाराज का यह पद हमें बहुत प्रिय है, समस्त साधकों के लिए यह मृत संजीवनी के समान है। साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक मित्र हमारा, निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक को नियरे ही राखो, नि
निंदक को निया ले ही राखो खोन न देऊ नियारा होन न देऊ नियारा साधो निंदक पाछे निंदा करी अघ धोवे पाछे निंदा करी अघ धोवे सुनी मन मिटे विकारा सुनी मन मिटे विकारा जैसे सोना तापी अग्नि में जैसे सोना तापी अग्नि में निर्मल करे सुनारा निर्मल करे सुनारा साधो निंदक मित्र हमारा साधो अहरन कसी हीरा निवटे घन अहरन कसी हीरा निवटे कीमत लक्ष हजारा कीमत लक्ष हजारा ऐसे जाचत दुष्ट संत को ओ ऐसे जाचत दुष्ट संत को करण जगत उजियारा करण जगत उजियारा साधो निंदक मित्र हमारा साधो निंदक मित्र हमारा निंदक जग माही सुखी रहो निंदक जग माही सुखी रहो निंदक जग माही सुखी रहो निंदक जग माही रोग न हो तन सारा रोग न हो हमारी निंदा करने वाला हमारी निंदा करने वाला उतरे भवनिधि पारा उतरे भवनिधि पारा साधो निंदक मित्र हमारा साधो निंदक के चरणन की स्तुति निंदक के चरणन की स्तुति वर्णो बारंबारा वर्णो बारंबारा चरण दास कहे सुनिए साधो चरण दास कहे सुनिए साधो निंदक साधक भारा निंदक साधक भारा साधो निंदक मित्र हमारा साधो अब तो महाराज विमुख प्रसन्न भय तब तो उड़ानों दिए नए नए चोज हरि सन्मुख भाखिए
जाने ग्वाल बाल एक माल गही रहे हिए जिए, जागो यही रूप कहो लाख लाखी। नारायण बड़े महा अहो मेरे भाग लिखो, करे कौन दूर छवि पूर अभिलाखिए। मारो कहा जाए आए पर से कलंक तुम्हें राखिए, निशंकहार भक्ति नाथ मारी। आज श्री नरसिंह जी की महिमा संपूर्ण जगत में विख्यात हो गई और कहते हैं कि इस प्रकार से नरसिंह जी के माध्यम से संपूर्ण जगत में भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार हो गया। बोलो भक्तराज श्री नरसिंह जी महाराज की। यद्यपि चरित्र बहुत विस्तार का है, लेकिन क्या करें, हमारे पास समय उतना ही था, फिर भी आज समय का अतिक्रमण हो गया है। हमने खींच तान कर चरित्र तो पूर्ण कर दिया है, अब बस प्रेरणा इससे यही लेनी है कि अनन्य भाव से भगवत शरणागति ग्रहण करके नरसिंह के जैसे भगवान के होकर के अब रहना है। अब जितना भी जीवन बचा है नरसिंह के सांवरिया के होके रहना है, और नरसिंह के सांवरिया के न हो सको तो भी चिंता की बात नहीं, नरसिंह के होके रहना है। भक्त से अपना संबंध जोड़ लो तो भी श्री ठाकुर जी अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे।